हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं दिसंबर माह के करंट अफेयर पर। दिसंबर माह का ये करंट अफेयर वीडियो आने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, उसके लिए मैं माफ़ी पर चाहूँगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि दिसंबर मंथ जो है मेरा काफ़ी बिजी टाइम शेड्यूल रहेगा, जिसके कारण मैं प्रॉपर वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा। तो आज के इस वीडियो में हम दिसंबर माह के पूरे करंट अफेयर को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। एक वीडियो में दिसंबर माह का करंट अफेयर कवर हो रहा है, इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि आपके कुछ करंट अफेयर स्किप किए जा रहे हैं। एग्जाम सामने हैं, केवल एग्जाम ओरिएंटेड टू दी पॉइंट चीज़ें ही आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। जो एग्जाम में पिछले साल कुछ सालों में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, ऐसे ही टॉपिक ऊपर जो है हम आज चर्चा करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग है, कुछ महोत्सव है, कुछ परियोजना है जो आगामी एग्जामों के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, तो जो भी बताऊंगा उसको थोड़ा सा ध्यान समझते हुए चलिएगा। दूसरा चीज, सीजीपीएससी ई पाठशाला का हाफ ईयरली करंट अफेयर नोट्स जुलाई टू दिसंबर 2020 अवेलेबल हो चुका है। जिस किसी को भी चाहिए वो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप मैसेज टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ध्यान समझते हुए चलिएगा। सबसे पहले नंबर पर है भारत में तेंदुओं की स्थिति वर्ष 2018। भारत में तेंदुओं की स्थिति वर्ष 2018, अभी हाल फिलहाल में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, जिनका नाम है आपका प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने अभी भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का शीर्षक भी है भारत में तेंदुओं की स्थिति वर्ष 2018। वर्ष 2018 तक की स्थिति में भारत में तेंदुओं की कितनी संख्या रही वो इस रिपोर्ट में बताया गया है। रिपोर्ट है 2018 की, लेकिन जारी हुआ है अभी वर्ष 2020 के एंड में, यानी कि दिसंबर 2020 में आपका ये रिपोर्ट जारी हुआ है। देखिए, ध्यान समझते हुए चलिएगा। तेंदुओं की संख्या, भारत में तेंदुओं की संख्या है 12,852 तेंदुए, 12,852 तेंदुए, ये भारत में तेंदुओं की संख्या है। पिछले रिपोर्ट की तुलना में इस बार जो है भारत में तेंदुओं की संख्या में 60% की वृद्धि हुई है। दोनों इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछा जाएगा, भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या कितनी है, तो वो है आपके 12,852 तेंदुए, जिसमें पिछले रिपोर्ट की तुलना में 60% की संख्या में 60% की वृद्धि दर्ज की गई है। देखिए, ये जो आपका भारत में जो तेंदुओं की स्थिति है, इसे इसका जो है आपका दो पार्ट में इसे क्लासिफाइड किया गया है। एक राज्यों के आधार पर, भारत में जो आपके जो राज्य है, राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या किस क्षेत्र किस राज्य में है, और दूसरा है भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। भौगोलिक क्षेत्र यानी कि मध्य भारत, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है, पठारी क्षेत्र, तो ऐसे भौगोलिक स्थिति के आधार पर भी इसे क्लासिफाइड किया गया है। देखिए, भारत में तेंदुओं की संख्या है आपका 12,852 तेंदुए, जिसमें सर्वाधिक तेंदुए हैं आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है। सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है पूछा जाए, तो वो है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 3,421 तेंदुए, ठीक है, 3,421 तेंदुओं के साथ मध्य प्रदेश जो है तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक है आपके मध्य प्रदेश राज्य में। सेकंड नंबर पर है आपके कर्नाटक, जहां पे 1783 है। थर्ड नंबर पर है महाराष्ट्र, जहां पे 1690 तेंदुए है। ठीक, प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है, तो वो है आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, अगर हम भौगोलिक तरीके से अगर हम क्लासिफाइड करें, ठीक, यानी कि भारत का जो है हम भौगोलिक विभाजन करें, तो उसमें जो सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या है वो है आपके मध्य भारत और पूर्वी घाट में, ठीक है, मध्य भारत और पूर्वी घाट में। ये जैसे भारत का अगर हम निचला नक्शा देखें, तो ये है आपका मध्य भारत वाला हिस्सा और ये कहलाता है आपका पूर्वी घाट, ठीक। तो ये मध्य भारत और पूर्वी घाट में ये आपके तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक है। 8,071 तेंदुए मौजूद है आपके मध्य भारत व पूर्वी घाट वाले क्षेत्र में, जबकि पश्चिमी घाट सेकेंड नंबर पर है तेंदुओं की संख्या के मामले में, यहाँ पर 3,387 तेंदुए मौजूद है। इसके अलावा और जैसे अगर हम फर्दर क्लासीफाइड करें तो थर्ड नंबर पर है आपके शिवालिक श्रेणी तथा गंगा का मैदान, और चौथे नंबर पर है आपके ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत और आपके ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र, ये चौथे नंबर पर है, ठीक। तो ये है आपके भारत में तेंदुओं की स्थिति। अब देखिए, छत्तीसगढ़ में तेंदुओं की संख्या पूछी जाए तो वो है आपके 852, ठीक है। अगर छत्तीसगढ़ में तेंदुओं की संख्या पूछी जाए तो छत्तीसगढ़ में तेंदुओं की संख्या है आपका 852, भारत में है 12,852 जबकि छत्तीसगढ़ में है 852, ठीक। देखिए, ये जो हमारा छत्तीसगढ़ जो है, ये छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा है, अगर भारत का भौगोलिक विभाजन किया जाए तो छत्तीसगढ़ हमारा ये मध्य भारत व पूर्वी घाट के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो भारत में तेंदुओं की संख्या 12,852, छत्तीसगढ़ में तेंदुओं की संख्या 852, और जो हमारा छत्तीसगढ़ जो क्षेत्र है ये आपके मध्य भारत पूर्वी घाट वाले क्षेत्र में आएगा, ठीक।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका उत्कृष्ट थाना सम्मान। उत्कृष्ट थाना सम्मान वर्ष 2020, ये आपके उत्कृष्ट थाना सम्मान का जो आपकी रैंकिंग जारी की गई है, ये आपके केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। ठीक, भारत सरकार का जो आपका केंद्रीय गृह मंत्रालय है वो आपके उत्कृष्ट थाना सम्मान की रैंकिंग जारी किया। ये जो आपकी रैंकिंग है, ये आपके थाना में जो आपकी समझ जो थाना में जो आपकी रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है उसका किस प्रकार से त्वरित निराकरण होता है, जो नागरिकों का उस थाने के प्रति क्या फीडबैक है, जो आपका थाना है उसकी साफ सफाई, उसकी टेक्नोलॉजी, उसका साइबर सेल आदि के आधार पर जो है पूरे भारत भर के थानों की एक रैंकिंग जारी की गई उत्कृष्ट थाना, और उनमें से उन्हें जो है आपका उत्कृष्ट थाना की एक रैंकिंग जारी की गई और उन्हें उत्कृष्ट थाना सम्मान उन्हें दिया गया। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये जो आपका उत्कृष्ट थाना सम्मान 2020 की जो आपकी रैंकिंग जारी हुई उसमें फर्स्ट नंबर पर है आपका नोंगपोक सेकमई, जो कि आपके मणिपुर राज्य के थैबल जिले के अंतर्गत आने वाला एक थाना है। थाना का नाम है नोंगपोक सेकमई, मणिपुर राज्य के थैबल जिले के अंतर्गत आता है। सेकंड नंबर पर है AWPS सूरमंगलम, जो कि आपके तमिलनाडु राज्य के सेलम जिले के अंतर्गत आता है। थर्ड नंबर पर है आपका खारसंग थाना, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य के चांगलांग जिले के अंतर्गत आने वाला थाना है। जबकि चौथे नंबर पर है आपका झिलमिली, जिसे अन्य नाम से जाना जाता है आपका भैया थाना। ठीक है, झिलमिली या भैया थाना, जो कि आपके छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के अंतर्गत आने वाला एक थाना है। इस उत्कृष्ट थाना सम्मान को थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा। इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्कृष्ट थाना सम्मान वर्ष 2020 में शीर्ष पर कौन सा थाना रहा, तो मणिपुर राज्य के थैबल जिले के अंतर्गत आने वाला नोंगपोक सेकमई थाना, जबकि हमारा छत्तीसगढ़ फोर्थ पोजीशन पर रहा, जहां पे आपका झिलमिली थाना जो है सूरजपुर जिले का छत्तीसगढ़, वो आपके फोर्थ पोजीशन पर रहा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका बहरूपिया महोत्सव। ये जो आपका महोत्सव है ये हर वर्ष मनाया जाता है। साल के अंतिम महीने के अंतिम दिन में ये आपका महोत्सव का आयोजन किया जाता है। बहरूपिया महोत्सव इसका आयोजन होता है आपके कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ और चिरमिरी में हर साल इस बहरूपिया महोत्सव का आयोजन होता है। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाएगा कि बहरूपिया महोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है, तो ये आयोजन होता है आपके कोरिया जिले में। बहरूपिया महोत्सव नाम से स्पष्ट है, बहरूपिया यानी कि बहुत सारा रूप धारण करना। ये क्या होता है, इसमें जो है हर साल यहाँ पर बहरूपिया महोत्सव का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड यानी कि जो छत्तीसगढ़ के आसपास के राज्यों के जो कलाकार हैं इस महोत्सव में शामिल होते हैं। इस महोत्सव में अलग अलग गेटअप, अलग अलग वेशभूषा, ड्रेस पहन करके इस महोत्सव में शामिल होते हैं। देखिए, इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य जो काफ़ी पहले से चली आ रही जो एक परंपरागत वेशभूषा शैली को बनाए रखना, और साथ ही साथ अलग अलग वेशभूषा धारण करके समाज में जागरूकता फैलाना इस बहरूपिया महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है। जैसे कि इस बार बहरूपिया महोत्सव में जो है आपका जो कलाकार जो है वो आपके COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस का एक ड्रेसअप पहन करके इस महोत्सव में आपके शामिल हुए। कुछ लोग जो है कोरोना वैक्सीन या फिर आपके मास्क से संबंधित जो जागरूकता से रिलेटेड वेशभूषा धारण करके शामिल हुए। जैसे कि आपके महिलाओं से संबंधित जो घरेलू हिंसा हो गई, या आपके जो आज के डेट में जो इतने आपके रेप केस बढ़ गए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आपके कार्यक्रम चल रहे हैं, तो इससे रिलेटेड अलग अलग गेटअप धारण करके लोग जो है इस महोत्सव में शामिल होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य अलग अलग वेशभूषा धारण करके समाज में जो है एक जागरूकता फैलाना इस बहरूपिया महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि बहरूपिया महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष कहां होता है, तो वो होता है आपके कोरिया जिले में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका चिराग परियोजना, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बनेगा। चिराग परियोजना, इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये कृषि का विकास एवं किसानों की आय में वृद्धि करना, इस चिराग परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। पहला प्रश्न तो यही पूछा जाएगा कि चिराग परियोजना का संबंध किससे है, तो ध्यान दीजिएगा, चिराग परियोजना का जो संबंध है वो है आपके कृषि क्षेत्र से। ठीक, देखिए, इस चिराग परियोजना के अंतर्गत आपका जो बस्तर संभाग है, बस्तर संभाग के 7 जिलों के 13 विकास खंडों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, और मुंगेली जिला के 1 विकास खंड को इस चिराग परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। देखिए, ये चिराग परियोजना महत्वपूर्ण क्यों है, ये जो आपका चिराग परियोजना है इसे आर्थिक सहायता प्रदान किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा।
विश्व बैंक वाशिंगटन डीसी की जो आपकी जो वर्ल्ड बैंक है, जो विश्व बैंक है, उसके द्वारा इस परियोजना के लिए 1036 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई है। कृषि विकास तथा किसानों के आय में वृद्धि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। ये जो परियोजना है यह 6 वर्षीय परियोजना है, 6 वर्षीय परियोजना जिसमें जलवायु परिवर्तन के आधार पर उन्नत कृषि को बढ़ावा देना, यानी कि जैसे जैसे आपका लगातार आने वाले सालों में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उस जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम परिवर्तन हो रहा है, तो मौसम परिवर्तन के कारण जो है आपका कृषि कार्य प्रभावित होता है, तो जलवायु परिवर्तन के साथ साथ उन्नत कृषि को बढ़ावा देना, ठीक है, उन्नत बीज के प्रयोग को बढ़ावा देना, सॉइल परीक्षण यानी कि मृदा परीक्षण को बढ़ावा देना, नवीन तकनीक का उपयोग कृषि क्षेत्र में करना, तो ऐसे कई तरीके से जो है छत्तीसगढ़ के इन विकास खंडों में कृषि क्षेत्र, कृषि का विकास करना और किसानों की आय में वृद्धि करना इस चिराग परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, और यह विश्व बैंक के द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका 43वां राउत नाचा महोत्सव। 43वां राउत नाचा महोत्सव, इसका आयोजन हुआ आपके बिलासपुर में। बिलासपुर में प्रतिवर्ष प्रदेश का सबसे बड़ा राउत नाचा महोत्सव का आयोजन होता है आपके इस बिलासपुर जिले में। इस राउत नाचा महोत्सव की शुरुआत हुई थी आपके 1978 में, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस साल जो आपका राउत नाचा महोत्सव का आयोजन हुआ ये इसका 43वां संस्करण था। ये 43 नंबर को याद रखिएगा, 43वां राउत नाचा महोत्सव, इसका आयोजन बिलासपुर में हुआ वर्ष 1978 से। बिलासपुर में इस राउत नाचा महोत्सव का आयोजन होता आ रहा है, प्रदेश के सबसे बड़े राउत नाचा महोत्सव का आयोजन आपके बिलासपुर जिले में होता है। तीनों जो है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक। और ये जो आपके राउत नाचा की प्रस्तुति दी जाती है आपकी यदुवंशियों के द्वारा, यदुवंशी यानी कि यादव समाज राउत, इनके द्वारा जो है आपके इस राउत नाचा में जो है प्रस्तुति दी जाती है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और राउत नाचा करते समय हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दोहा बोला जाता है राउत नाचा करते समय। ये आया हुआ प्रश्न है, राउत नाचा करते समय यहाँ पर दोहा बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, शहरी गवर्नेंस रैंकिंग। शहरी गवर्नेंस यानी कि शहरों में, नगरों में प्रशासन के आधार पर किस प्रकार से अच्छा प्रशासन नगरों में रहा, उसके आधार पर दिल्ली की प्रज्ञा फाउंडेशन के द्वारा शहरी गवर्नेंस रैंकिंग 2020 जारी किया गया। इस रैंकिंग में पहले नंबर पर है आपके शहरी गवर्नेंस के मामले में आपका उड़ीसा, सेकेंड नंबर पर है महाराष्ट्र, और थर्ड नंबर पर है हमारा छत्तीसगढ़। शहरी गवर्नेंस रैंकिंग 2020, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है द डॉग एंड हिज मैन। द डॉग एंड हिज मैन, ये आपकी एक छत्तीसगढ़ी शॉर्ट फिल्म है। द डॉग एंड हिज मैन छत्तीसगढ़ी शॉर्ट फिल्म, जिसके निर्देशक है आपके सिद्धार्थ त्रिपाठी। ये जो आपका शॉर्ट फिल्म, छत्तीसगढ़ी शॉर्ट फिल्म है द डॉग एंड हिज मैन, इसका चयन हुआ है आपके 91वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2020 गोवा, ठीक है। जो आपका 91वां जो आपका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसका आयोजन आपके गोवा में हुआ, उसके फीचर श्रेणी के क्षेत्रीय भाषा फिल्मों में, यानी कि अलग अलग राज्यों में जो आपके बोले जाने वाली जो क्षेत्रीय भाषा है, ठीक है, तो उस क्षेत्रीय भाषा में हमारे छत्तीसगढ़ से फीचर श्रेणी की क्षेत्रीय भाषा फिल्म के रूप में चयन हुआ है आपके द डॉग एंड हिज मैन। तो जो आपका जो 91वां जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो आयोजन हो रहा है, उसमें इस फिल्म को वहां पर चलाया जाएगा, यानी कि दिखाया जाएगा छत्तीसगढ़ की ओर से, द डॉग एंड हिज मैन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना। फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 1 नवंबर 2020 में, ठीक है, नवंबर का है। 1 नवंबर 2020 से जो है आपके फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना की शुरुआत हुई। यह एक पायलट प्रोजेक्ट है जो कि आपके केवल कोंडागांव जिले में एक प्रायोगिक तौर पर, एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे प्रारंभ किया गया है। फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना, देखिए ये जो आपको फोर्टिफाइड चावल है, ये एक विशिष्ट प्रकार का चावल है। इस चावल में आपके आयरन, विटामिन B12 और आपके फोलिक एसिड का यह सम्मिश्रण है जो कि आहार में पोषण संबंधित आवश्यकताओं की जो है ये पूर्ति करेगा। देखिए जो हमारा बस्तर संभाग है, इस बस्तर संभाग में आपके कुपोषण और एनीमिया, ये दोनों का जो आपका प्रतिशत है ये सर्वाधिक है पूरे के पूरे बस्तर संभाग में। उसका मुख्य कारण क्या है, कुपोषण का मुख्य कारण क्या है, कि वहाँ के लोगों को सही तरीके से पोषण नहीं मिल पाता। तो प्रदेश सरकार के द्वारा
ये फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना के माध्यम से एक पायलट प्रोजेक्ट, एक प्रायोगिक परीक्षण किया जा रहा है आपके कोंडागांव जिले में, जहां पर पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो सरकार जो है उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से जो चावल देती है, उस आपके पीडीएस प्रणाली के तहत जो है आपके इस फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जाएगा। फोर्टिफाइड चावल जिसमें आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड की प्रचुर मात्रा होती है, और ये जो आपके फोर्टिफाइड चावल है ये आहार में पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। और ये जो आपका वितरण योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य कुपोषण और एनीमिया को नियंत्रण करना इस आपके फोर्टिफाइड चावल योजना का मुख्य उद्देश्य है। किस जिले में ये चल रहा है? ये चल रहा है आपके कोंडागांव जिले में। नेक्स्ट देखिए, गन्ना से एथेनॉल का निर्माण हमारे प्रदेश में जो है, आप करंट अफेयर से, अगर आप, मैंने आपको कुछ समय पहले और एक कवर कराया था कि आपके धान से एथेनॉल का निर्माण, ये है आपके गन्ने से एथेनॉल का निर्माण। हमारे प्रदेश में जो है एथेनॉल के निर्माण के लिए दो प्रकार के संयंत्र प्रस्तावित है, एक है आपके धान से एथेनॉल का निर्माण और दूसरा है गन्ने से एथेनॉल का निर्माण। देखिए, गन्ने से एथेनॉल का निर्माण ये कहाँ पर हो रहा है? आपके कवर्धा जिले में इससे संबंधित एक संयंत्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। यहाँ पर जो है गन्ने की आपूर्ति करेगा आपका भोरमदेव शक्कर कारखाना। देखिए, समझिएगा, निर्माण गन्ने से जो आपका मोलासिस, गन्ने के मोलासिस से एथेनॉल का निर्माण किया जाएगा। गन्ने के मोलासिस से एथेनॉल का निर्माण का मतलब, मोलासिस क्या होता है? मोलासिस होता है आपका शीरा, ठीक है, जो गाढ़ा द्रव्य पदार्थ बनता है शक्कर निर्माण के दौरान। शक्कर निर्माण के दौरान जो शह उत्पाद के रूप में जो आपका शीरा बनता है उसे ही कहा जाता है आपके मोलासिस। तो उस सीरा से, उस मोलासिस से जो है आपके एथेनॉल का निर्माण किया जाएगा, और इस एथेनॉल को इंडियन ऑयल कंपनी को 53 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचा जाएगा। ट्रिपल पी मॉडल पर आधारित यह पहला एथेनॉल प्लांट होगा हमारे प्रदेश का। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत यानी कि ट्रिपल पी मॉडल पर आधारित यह प्रदेश का पहला एथेनॉल संयंत्र होगा जो कि गन्ने से एथेनॉल का निर्माण करेगा। गन्ने से एथेनॉल का निर्माण करने वाला जो आपका संयंत्र है ये आपके कबीरधाम यानी कि कवर्धा जिले में प्रस्तावित है, जबकि जो धान से एथेनॉल का निर्माण करने का वाला जो संयंत्र है ये 4 संयंत्र प्रस्तावित है। 2 है आपके मुंगेली जिले में है, 1 है आपके जांजगीर में और 1 है आपके महासमुंद में। तो इन 4 स्थानों पर जो है धान से एथेनॉल निर्माण के संयंत्र प्रस्तावित है, जबकि गन्ने से एथेनॉल निर्माण के संयंत्र जो है ये आपके कवर्धा या कबीरधाम जिले में प्रस्तावित है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके मोतीलाल वोरा जिनका संबंध है आपके दुर्ग जिले से। हाल फिलहाल में इन मोतीलाल वोरा का निधन हो गया। इनका संबंध है आपके राजनीति से। अविभाजित मध्य प्रदेश के ये मुख्यमंत्री थे, ठीक है। अविभाजित जो आपका मध्य प्रदेश है, जब हमारे छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं हुआ था उस समय यह मध्य प्रदेश के आपके मुख्यमंत्री थे वर्ष 1985 से लेकर 88 तक और वर्ष 1989 में, ठीक। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे 1993-96 के मध्य। तो मोतीलाल वोरा जो है ये अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कुछ आपके वन लाइनर है। लघु वन उपजों की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, प्रदेश सरकार के द्वारा जो आपके लघु वन उपज है, प्रदेश के कुल 52 लघु वन उपजों का जो है आपका खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इससे पहले प्रदेश सरकार के द्वारा जो है 31 लघु वन उपजों की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही थी, लेकिन अब प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा यानी कि कैबिनेट के द्वारा निर्णय लिया गया कि अब प्रदेश में 52 लघु वन उपजों की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल मेडिकल कॉलेज, जो कि स्थित है आपके रायगढ़ जिले में। रायगढ़ जिले का जो स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल मेडिकल कॉलेज है, इसका नाम परिवर्तित किए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि जो स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल मेडिकल कॉलेज रायगढ़ है उसका नाम परिवर्तित करके गुरु घासीदास मेडिकल कॉलेज रायगढ़ किया जाएगा। नेक्स्ट है तीजनबाई की बायोपिक। अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज़ आया था कि तीजनबाई के जीवन के ऊपर एक बायोपिक बन रही है, और उस बायोपिक में तीजनबाई की भूमिका निभाएगी आपकी बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन, जबकि इनके नाना की भूमिका यानी कि तीजनबाई के नाना की भूमिका निभाएंगे आपके अमिताभ बच्चन, ठीक है। तीजनबाई जो कि पंडवानी की गायिका है, इन्होंने जो है आपके जो पंडवानी गाना अपने नाना से सीखा, तो तीजनबाई का भूमिका निभाएगी आपकी विद्या बालन, जबकि उसके नाना की भूमिका निभाएंगे आपके अमिताभ बच्चन जी, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका सरना धर्म कोड। सरना धर्म कोड जो कि संबंधित है आपके झारखंड राज्य से। झारखंड राज्य में काफी विवादों में है ये सरना धर्म कोड। देखिए,
सरना जो है एक आदिवासी जनजाति है जो कि मुख्य रूप से आपके झारखंड राज्य में संकेंद्रित है। इनकी मांग है कि जो आगामी आपके जनगणना होने वाले हैं आपके वर्ष 2021 में, इस जनगणना में इन्हें हिंदुओं से अलग एक वर्ग, एक कॉलम दिया जाए। उनका यह कहना है कि हमारी जो पूजा शैली है और जो संस्कृति है वो हिंदुओं से अलग है, तो हमें हिंदुओं में काउंट न करते हुए हमें जनगणना 2021 में अलग से एक कॉलम प्रदान किया जाए। तो ये इनकी एक अलग मांग उठी है सरना धर्म कोड के नाम से। तो ये जो सरना धर्म कोड है इसका संबंध है आपके झारखंड राज्य से। ये जो आपके सरना जो जनजाति है ये निवास करती है हमारे छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में, जैसे कि जशपुर, सरगुजा, रायगढ़ और कोरिया के जो है सीमांत क्षेत्रों में कुछ आपकी सरना जनजाति पाई जाती है। ये सरना जनजाति भी इस आपके आंदोलन में शामिल है। तो सरना धर्म कोड जिसका संबंध कहाँ से है, आपके झारखंड राज्य से इसका संबंध है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।